वक्त एज यूजुअल हम लोग शुक्रगुजार रहते हैं, जो भी इश्यूज़ कोई भी रेज होता है तो आपके माध्यम से प्रॉपर प्लेसेस पर पहुंच जाते हैं। आज हमारा सबसे पहला जो मुद्दा तो है नहीं, इशू है ये, इट इज़ नॉट एन इवन इशू, वी वेलकम ऑल द यात्रीज ऑन बिहाफ ऑफ होल जम्मू एंड कश्मीर इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली। हम उन सबसे गुजारिश करना चाहते हैं जो पिछले 30 साल में कभी आते थे, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी कुछ लोग बाहर में ये कहते हैं कि वहाँ वो प्रॉब्लम है, मैं उन सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हर एक जम्मू कश्मीर का साथी इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में जहाँ बाबा अमरनाथ जी की गुफा है, वेलकम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल दोज टूरिस्ट्स, वी रिक्वेस्ट देम प्लीज डू कम टू अवर प्लेस, वी लव यू, वी रेस्पेक्ट यू, वी विल गिव यू द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी जो आपको पूरे दुनिया में कहीं पर नहीं मिलेगी, वो हम हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर दे देंगे। ये आपका अपना एरिया है, आप आ जाइए, और बाहर में इतनी गर्मी है, आप दूसरे जगहों पर जाते हैं, वहाँ से आप हमारे कश्मीर में आ जाइए, आप अपना जो भी वक्त हमें यहाँ पर दे देंगे, और हमारे यहाँ से भी जो आपको हॉस्पिटैलिटी मिल जाएगी, उस हॉस्पिटल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में, कहीं पर भी कोई भी डायरेक्ट किसी के अगेंस्ट भी कोई भी पर्सनल एनमिटी नहीं है। यू विल बी ऑलवेज वेलकम, यू प्लीज कम टू टावर प्लेस। यहाँ पर देखने के लिए बहुत जगह है, ओल्ड स्पॉट्स भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, दरगाह शरीफ भी है, अच्छे स्पॉट्स है, गुलमर्ग है, पहल बहुत अच्छी माता खीरवानी का है, मखदूम साहब का दरबार है, दसगीर साहब की जियारत है, हमारे पास बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हरी पर्वत माता का मंदिर है, बहुत ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर आप लोग हमारे यहाँ पर आके आपको दिल भी खुश हो जाएगा, और आपको अच्छा लगेगा कि आप ऐसी जगह में आ गए कि जहाँ पर आपको यू विल फील हैप्पी, जो आपको रिलैक्सेशन मूड में जो लोग आते हैं, कोई भी अगर टूरिज्म स्पॉट पर जाता है तो वो खाली इसलिए जाता है कि ही वॉन्ट टू हैव रिलैक्स, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन हैव गुड टाइम विद योर फैमिलीज। दूसरी बात है, मैं मीरवाइज साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने एंटी ड्रग मूवमेंट के लिए बात उठाई, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर मैं बाकी सब लीडरान से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, पार्टीज़ को एक लाइन में छोड़ के, अगर हकीकत में किसी को कश्मीर और कश्मीरियत और कश्मीरी यूथ के लिए थोड़ी सी भी इज्जत आबरू है, कश्मीरी सेंटिमेंट्स और इमोशंस को छोड़कर, अगर किसी को भी ये लगता है कि हमें कश्मीर को आगे बढ़ाना है, जम्मू कश्मीर को, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली को आगे बढ़ाना है, इस प्लेस में वापस आगे 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद में वापस वही माहौल लाना है, वो तभी होगा जब हमारा यूथ होगा। और आज हमारे यूथ, हमारी बदकिस्मती, हमारे यूथ के साथ हमारी बच्चियां भी कुछ ड्रग एडिक्ट्स बनी हुई है। हम लोग चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इवन गिलानी साहब से भी, बाकी सब लीडरान से भी, कि वो भी इसमें सामने आ जाए और सामने आकर अपना एक स्टेटमेंट दे दे। उनके माध्यम से जो स्टेटमेंट आता है तो लोगों के ऊपर एक बहुत इफेक्ट पड़ता है, और एक पॉजिटिव वे में पूरा वैली उसको ले लेगा, क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमारे यहाँ पर टूरिज्म भी आएगा, सब कुछ आएगा, वो तभी आएगा जब हमारे पास यहाँ कुछ होगा। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत लीडरान कोई ऑटोनॉमी की बात करता है, कोई सेल्फ रूल की बात करता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई हिंदुस्तान की बात करता है, कोई 10 चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वो सब भी तभी होगा जब यहाँ का कोई होगा, जब यहाँ कोई बचेगा। यहाँ आज माहौल देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उन मौलवी साहबों से भी जो अपने मस्जिद शरीफ के माध्यम से जब नमाज अदा होती है, वहाँ से भी वो लोग अपनी एक स्टेटमेंट्स दे दे, अपना एक मैसेज दे दे, पूरे कौम को, पूरे एरिया को मैसेज दे दे कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारे अपने कौम को, अपने बच्चों को अगर बचाना है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बेखूबी से वो लोग सामने आकर, जिस तरीके से बाकी कभी भी कोई भी इससे पहले जो इश्यूज होते थे, जिस तरीके से वो रेज करते थे उन इश्यूज को, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई इश्यू नहीं है। ये सबसे मेजर इश्यू है जहां पर हमें अपनी नस्ल को बचाना है, अपने यूथ को बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करना चाहता, कहां से रहा है और कौन बेच रहा है ये? कभी हम लोगों ने सुना नहीं था कश्मीर में कोकीन बिकती है। अभी रिसेंटली हमारा एक बच्चा मारा गया, सब लोग कहते हैं ओवरडोज, अरे ओवर गई, आता कहां से ये मटेरियल? अगर हमें पता है कि पार से और भी कोई चीज आती है, उसके लिए हमारा फोर्सेस है, इसके लिए क्या है?
ये कहां से आ रहा है, क्यों नस्ल खत्म हो रही है हमारी यहां पर? हम लोग इसमें प्लान आउट कर रहे हैं, जितने भी पार्टीज है, आई विल ट्राई टू रीच एवरी इंडिविजुअल लीडर। जो हमारे अभी नई नई पार्टीज कुछ बनी है, उनमें मैं सब लीडरों से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी सामने आ जाए, हम लोग सब लोग मिल बांट कर एक डेट फिक्स करें और उस दिन हम सब लोग आपके मीडिया के भाइयों के सामने साथ में खड़े होकर, जो हमारे बिजनेस सर्कल है उनके चेयरमैन से भी गुजारिश करना चाहता हूं, जो जो ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर में, मैं उन सब से हैंड फोल्डेड गुजारिश करना चाहता हूं कि हर एक अपने अपने तरीके से इस पर कार्रवाई करना स्टार्ट करे। हर मोहल्ले में एक मोहल्ला कमेटी बनाई जाए, वो मोहल्ला कमेटी के माध्यम से एक क्लियर मैसेज चली जाए कि जो भी कोई ये बेच रहा हो या कोई भी अफसर उसको सपोर्ट कर रहा हो, उसका गला पकड़कर उसको सड़क पर लाया जाए।